हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप का, बाहर से राउंड है और अंदर देखिए इसमें स्टार बना हुआ है, ये टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए डिजाइन समझने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिजाइन पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। तो देखिए, ये मैंने 30 फंदे से बनाया है। 30 फंदे से देखिए इतना बड़ा बना हुआ है, पूरा इसमें स्टार बना हुआ है। एंड इसका देखिए भी बचा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसका एंड कैसे करूंगी। तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने 30 फंदे का बनाया है, ये भी मैं 30 फंदे पे ही आपको बताऊंगी। इसमें मैंने 28 फंदे ये इसके डाले थे, मस्टर्ड कलर के डाले थे, और ऊपर 2 फंदे मैंने ब्लैक से डाले थे। इसमें मैंने ग्रीन से डाले हैं, और जो ब्लैक से डाले थे वो मैंने ऑरेंज डाले हैं। तो देखिए, कोई कोई रो अभी मैंने इसमें नहीं उतारी है, सिंगल धागे से मैंने इसमें सिंपल फंदे डाले हैं, जैसे आप डालते हो वैसे ही डालिए। ये देखिए, फर्स्ट बेसिक रो हम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें हम अपने दोनों कलर ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, धागे को इधर लेके आएंगे और ये ग्रीन वाला ऐसे क्रॉस करके इससे हम बना देंगे। ये पूरी बेसिक रो है, ये हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स मैं यहां तक बनाऊंगी, उल्टा उल्टा पूरे ही फंदे बना लूंगी, और इस साइड से भी मैं उल्टा उल्टा बना के यहां तक आ जाऊंगी। फिर यहां से हमने कैसे धागा क्रॉस करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं यहां तक इसको बना लेती हूँ। देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से फ्रेंड जो फंदा जिस कलर का होगा आपको वैसे ही बनाना है। ये देखिए, धागा पीछे किया और पीछे से ये ऑरेंज वाला ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देखिए, और किनारे वाले को हमेशा ऐसे सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ज्वाइंट हमारा लग गया, 2 बेसिक रो हमारी बन गई। तो देखिए, अब हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इस साइड से इसको ऐसे उतारेंगे, ये फंदा बना लेंगे, आगे के 2 फंदे और इसमें हम ऐड कर लेंगे। फ्लावर की हमने स्टार्टिंग कर दी है फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये बाकी के फंदे सारे ही ग्रीन से बना के और एंड के 2 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे फर्स्ट वाले को, और ये बाकी की पूरी रो हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं फ्रेंड्स आपको और दिखा दूं कि उधर से हमें इधर धागा कैसे लेके आना है। सीधी साइड है, हर बार नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि ये ऐसे ही बनेगी, जो फंदा जैसा दिखाई देगा हमने वैसा ही बनाना है। जो भी आप कलर लगाओ, बस आप इसका ध्यान रखिए कि हमें ये क्रॉस करके लेके आना है फंदा। ये देखिए, पीछे करेंगे और पीछे से ऑरेंज ऐसे। ये देखिए, ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे, थोड़ा सा हाथ से खींच लेंगे, और ये 4 हो गए हमारे ऑरेंज के। लास्ट वाले को हम ऐसे सीधा बना देंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक बार और देखिए, फिर मैं इसको हाफ बना के दिखाऊंगी। फर्स्ट वाले को उतारेंगे, ये हमारे पास 4 थे, 2 और इसमें हम ऐड कर लेंगे, बाकी के ये हम
ग्रीन से बना देंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, मैं इधर से अंदर की तरफ बढ़ूंगी और इधर से दो दो फंदे मैं छोड़ती हुई हम भी सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरे बीच में चार फंदे बचे हुए हैं जो मैं दो इस बार छोड़ दूंगी और दो इस बार मैं ये ऑरेंज के बना लूंगी। और ये यहाँ से पीछे से सारे हमने दो दो करके छोड़ दिए हैं। ये देखिए, अब जब आपके चार फंदे बच जाएंगे, जब आपको क्या करना है, देखिए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे और ये दो हम छोड़ देंगे। सारे ही फंदे हमने छोड़ लिए हैं, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा बस समझने की देरी है, छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। जैसे लास्ट वाला हम ऐसे सीधा ही बनाएंगे तो देखिए, इससे हमारे किनारे की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमें ग्रीन वाले कलर को छोड़ देना है, उससे हम नहीं बनाएंगे, हम ये ऊपर ऊपर का बनाएंगे। अब तक हम ग्रीन के छोड़ते आए हैं, अब हम ऑरेंज के दो दो करके सारे ही फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये दो दो करके सारे ही ग्रीन के छोड़ दूंगी और मैं बिल्कुल ऊपर तक आ जाऊंगी इनको छोड़ते हुए। यहां तक मैं इनको बिल्कुल छोड़ लूंगी दो दो करके। दो मैंने छोड़ दिए, दो इस बार छोड़ दूंगी, ऊपर ऊपर का हम बनाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको दोबारा बनाने से यहाँ पे हमारा जो झोल है वो झोल नहीं पड़ता, ऐसे खुला खुला किनारा बनेगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। तो देखिये, दो दो करके मैंने ये सारे फंदे यहां तक एंड तक बिल्कुल छोड़ दिए हैं। आप देखिए हमें क्या करना है, सारे ही फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए, तो इसी रो में हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स। अब ये कलर हम ऊपर तक लेके जाएंगे, तो ये दो फंदे हम इसी रो में अपने चेंज कर लेंगे और आगे के सारे फंदे में जो दो दो करके छोड़ रखे हैं वो हम ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिए, सारे फंदे हमने बना लिए। इस साइड से ये रो मैं ऐसे ही उतारूंगी, जो कलर जैसा है उसी कलर से मैं इसको बनाऊंगी, फिर मैं ऊपर का बताऊं। देखिए, ये रो मैंने उतार ली है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, यहां से हमने स्टार्टिंग की थी, एक बार हम अंदर की तरफ बढ़े और अब हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए, हमारा जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा हाफ फ्लावर बनता है और जब फ्रेंड्स हम एंड करते हैं तो हमारा ये हाफ जब बनता है तो हम ऐसे इसकी सिलाई कर देंगे तो ये हमारा पूरा बन जाएगा। और आगे के फ्लावर आपके ऐसे आप जिगजैग में बनाओगे तो ये फ्लावर आपके पूरे बनते चले जाएंगे। तो अब हमें ये बनाना है, बाहर की तरफ बढ़ना है। यहां तक हमने बना लिया है, अब हम इसको ऐसे बनाएंगे। तो देखिए, एक बार हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना है, एक बार हमें अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना है। ये देखिए,
ऊपर की तरफ हम अपने फ्लावर को लेके आएंगे। तो पिछली बार जब हमने बनाया था तो हमने स्टार्टिंग कर ली थी, ये देखिए धागे को पीछे करेंगे, ग्रीन वाले से दो ऑरेंज के बना देंगे और ये सारे पीछे बना लेंगे और दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। एक बार तो फ्रेंड्स हमने दो दो करके हम एंड तक ऊपर तक सारे ही फंदे छोड़ लेते हैं और जब हम फ्लावर को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे ये हाफ फंदे, यहां तक हमने अपने फंदे दो दो करके छोड़ने हैं। तो इस रो को मैं ऐसे ही बना लेती हूँ और फ्रेंड्स ये सारे ग्रीन वाले मैं यहां तक बना लूंगी, दो फंदे छोड़ने तक यहां तक बनाऊंगी। जैसे हमने फंदे डाले थे मैं इसको ऊपर तक लेके आती हूँ। देखिए यहां तक मैंने पीछे तक छोड़ लिए हैं फंदे और यहां तक मैं आ गई हूं। अब आप देखिए लास्ट के दो तो हमने ये बाउंड्री के ऐसे ही रखने हैं जैसे हमने फंदे डाले थे और ये लास्ट के दो फंदे और मैं इसमें ऐड कर लूंगी, देखिए। और इस रो को हम एंड तक बनाएंगे। जो हमने दो दो करके फंदे यहां तक हम हाफ फ्लावर तक आए हैं वो इस रो में हम ये सारे फंदे बना लेंगे। तो रिमाइंड कीजिए फ्रेंड्स, ये वही वाली हमारी रो बन गई है जो हमने फंदे डाल के स्टार्टिंग की थी। दोबारा फिर से हम इसमें फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहां तक हम बीच तक आ गए थे दो दो फंदे छोड़ते हुए, ये हम सारे ही इस रो में बना लेंगे। ये हमें दो बार बनाने होते हैं फ्रेंड्स, एक बार तो हम ऊपर एंड तक दो दो करके छोड़ते हैं और एक बार हम ये बीच सेंटर तक ही आते हैं और हमारा फ्लावर पूरा हो जाता है। ये देखिए एक बार हम अंदर गए फिर हम बाहर की तरफ गए। तो इस रो को मैं फ्रेंड्स उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग करके बताऊंगी। ये देखिए ये पूरा हमारा बन गया है। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी दोबारा से फिर आपने वैसे ही करना है। दो हम बना लेंगे, दो हम इसमें और ऐड कर लेंगे और बाकी के ग्रीन से बना देंगे और लास्ट में दो फंदे हम छोड़ देंगे। ये रो मैं आपको उतार के फिर जो मैंने पूरा कर रखा है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसको बनाते जाना है। एक बार हम अंदर की तरफ आएंगे, एक बार हम बाहर की तरफ जाएंगे। ये देखिए दो फंदे हम छोड़ देंगे, दोबारा से हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। दोबारा हमने फ्रेंड्स स्टार्टिंग कर ली है अंदर की तरफ बढ़ने की। तो देखिए जब हम ऐसे बनाएंगे, यहां तक हमने बना लिया, ऐसे अंदर आएंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्लावर बीच में कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी। और हाफ हमारा ये था और हाफ ये है, तो ये ऐसे बनके ये शेप हमारी आ जाएगी। तो देखिए जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो ऐसे बनेगा आपका और लास्ट में आपको ये सारे फंदे वाइंड अप करने हैं। तो देखिए जो हमारे ब्लैक के हैं उनको हम ब्लैक से ही करेंगे, आपने जो भी कलर लगाया हो। ये देखिए दो का एक कर लिया, दोबारा से इसमें डालेंगे और अब हम ये दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा आप टाइट रखिए, इसकी हम बाद में काट के नोट लगा देंगे। ये देखिए दो का एक किया, फिर से वापस डाला, फिर से दो का एक किया, फिर से वापस डाला। तो जितने भी आपके पास फंदे हों आप ऐसे सारे ही बंद कर लीजिए।
ये देखिए सारे हमारे फंदे बंद हो गए। मैं इसको बंद करके आपको सीधा करके दिखाऊंगी कि इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। आप कलर कॉम्बिनेशन का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, कलर आप अपनी चॉइस से लगाइए, साड़ी या चुन्नी से भी बनाओगे उससे भी ये बन जाएगा और बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए मेरे सारे ही मैंने आपको वाइंड अप करके दिखा दिए हैं। ये देखिए लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं, इनको भी हम बंद कर लेंगे। ये देखिए और लास्ट वाले को हम इसमें से ऐसे पक्का करके निकाल देंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इसकी हमने ऐसे इसकी सिलाई करनी है, बिल्कुल हमने ऐसे इसके किनारे से ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे से नहीं फ्रेंड्स, ऊपर नीचे किनारा हमारा आगे पीछे हो जाएगा। बहुत ही सफाई के साथ हमने सिलना है ताकि हमारा जैसे ये फ्लावर है ऐसे ही यहाँ से इसकी लुक आए। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको आराम से बैठ के सिलाई करूँगी, इसकी यहाँ तक इसकी सिलाई मैं कर दूँगी। और फ्रेंड्स अगर आपको बीच में कोई फ्लावर इसमें लगाना है तो आप बीच में कोई इसमें फ्लावर जैसे आप ब्लैक कलर का लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा उठेगा। और पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप इसको वैसे भी रख सकते हो, इसमें छोटा सा होल बनेगा, बिल्कुल सुंदर लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। तो आप एक बार फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई करना और आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए नए डिजाइन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाइए। थैंक यू।